तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आप जो मल्टीविटामिन यूज कर रहे हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो वेज है या नॉन वेज? क्यों चौंक गए? हाँ दोस्तों, आज हम इस बारे में ही बात करने वाले हैं और एंड ऑफ दिस वीडियो गिव अवे सवाल भी पूछे जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप लोग बहुत सारे मल्टीविटामिन तो यूज कर चुके हैं और कुछ लोग यूज करने वाला है, क्या आप जानते हैं कि वो वेज है या नॉन वेज? दोस्तों, नॉन वेज वालों के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो लोग प्योर वेजिटेरियन है, क्या मेरे उन दोस्तों ने कभी केमिस्ट से पूछा है कि ये मल्टीविटामिन नॉन वेज तो नहीं है? तो सबसे पहले जानते हैं वो कौन सा प्रोडक्ट यूज करने से मल्टीविटामिन भी नॉन वेज बन जाता है। दोस्तों, ज्यादातर मल्टीविटामिन जिलेटिन एंड सेलुलोज से ही बनता है। जिलेटिन एनिमल के बोन्स एंड टिश्यूज को एक्सट्रैक्ट करके ही बनता है। काफी जो चीप मल्टीविटामिन मार्केट में अवेलेबल है, ज्यादातर वो जिलेटिन से ही बनता है और इसके वजह से प्राइस काफी कम रहता है। तो आपके सबसे सस्ता वाला मल्टीविटामिन ये वाला मल्टीविटामिन भी नॉन वेज है। अब बात करते हैं सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है जो प्लांट को एक्सट्रैक्ट करके ही बनाया जाता है। तो जितने भी मल्टीविटामिन में ये यूज किया जाता है वो सारे वेज है। जैसे कि मसल वेज का ये वाला मल्टीविटामिन और जेनिथ न्यूट्रिशन का ये वाला मल्टीविटामिन भी वेज है। दोस्तों, आज का सवाल, दोस्तों आप लोग एक वेज मल्टीविटामिन और एक नॉन वेज मल्टीविटामिन के नाम कमेंट बॉक्स में लिख डालो, क्योंकि मुझे और दोस्तों को भी बताना है। बाकी सवालों का लिंक आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.